महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। उनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा के साथ हो गया था। वे गुजरात राज्य के पोरबंदर गांव में रहते थे। महात्मा गांधी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे वकालत पढ़ने विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग जैसे आंदोलन शुरू किए थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अपने देश को आज़ादी हासिल कराने के लिए उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने दुनिया को साबित कर दिखाया कि स्वतंत्रता अहिंसा के साथ हासिल की जा सकती है। उन्होंने महात्मा, राष्ट्रपिता जैसी उपाधियां प्राप्त की। लोग इन्हें प्यार से बापू बुलाते थे। हमें उनसे यह शिक्षा मिलती है कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहना चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में इतना कहूंगी कि जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, बदल दिया जिसने देश का हाल, जिसने पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ, वो थे हमारे गांधी बापू महान। जय हिंद, जय भारत।